के पति को गुमराह कर दूं। अब मेरा घर तोड़ने की भी कोशिश हुई है, एक बार नहीं कई बार मेरा घर तोड़ने की कोशिश हुई है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताती। अब मेरे बच्चों क्या हुआ आजम? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, बहुत टाइम के बाद आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ स्ट्रीट फूड जायका और नाजिया शेख जो इंडियन व्लॉगर हैं उनके ऊपर। और आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो क्लिप देखी, तो ये उनके ही व्लॉग से मैंने ये क्लिप ली है। और ये इस वीडियो में क्या बातें हो रही है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ आप सब पब्लिक को कि भाई नाजिया शेख को लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनको, और लोग करते भी हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, खैर मेरी भी कुछ ऑडियंस ऐसी है जो शायद उनको पसंद ना करती हो। और मैंने पहले भी, सबको पता है कि मैंने इनके अंगेस्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन बाद में मुझे जब रियलाइज हुआ तो मैंने सॉरी बोल के जो है वो चीज़ें क्लियर कर दी। और अभी रिसेंटली क्या है ना कि मैंने, वैसे तो खैर मैं आजकल नहीं ब्लॉग देख पाती भाई, किसी के भी नहीं देख पाती, तो मैं इनके भी नहीं देख रही हूँ, लेकिन अचानक से एक व्लॉग सामने आ गया जिसमें कि ये बातें हो रही थी। कल का इनका व्लॉग मैंने देखा और उसमें बताया कि भाई क्या हुआ था, किस वजह से नाजिया आपा इतना आग बबूला हुई, इतना गुस्सा हुई। और उनके साथ ही मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मुमताज़ आंटी को जो है वो इतने गुस्से में देखा है। आज तक मैंने कभी उनको इतने गुस्से में नहीं देखा, ना सरफराज भाई के व्लॉग में, ना नाजिया आपा के व्लॉग में, कभी गुस्से में नहीं देखा, लेकिन कल मैंने फर्स्ट टाइम उनको इतना गुस्से में देखा है। हाँ, नाजिया आपा का पता है कि वो गुस्से वाली हैं, लेकिन आंटी का मुझे नहीं पता था। ये आप यहाँ पर कमेंट पढ़ सकते हो कि यार क्या कमेंट जो है वो नाजिया शेख को किया गया था। आप लोग ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ते हुए भी इतनी, मतलब दिल में लग रहा है ना ये कमेंट पढ़ते हुए भी, तो नाजिया आपा के ऊपर क्या बीती होगी ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। और हाँ, मैं एक और बात आप लोगों से के सामने बताना चाहती हूँ कि एक टाइम ऐसा था जब मेरा किसी के साथ झगड़ा चल रहा था ना, तो गुस्से में मेरे मुंह से भी किसी के लिए कुछ निकला था, किसी के बच्चे के लिए, और शायद उस बात का मलाल मुझे आज तक है और आगे भी रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। भले ही मेरी उसके साथ चीज़ें कभी क्लियर ना हो लाइफ में, और जो चीज़ें हो गई हैं, जो टाइम बीत गया है वो वापस नहीं आने वाला, लेकिन हाँ मैंने गुस्से में बोला था किसी के लिए, किसी के बच्चे के लिए, और वो मेरा गुस्सा था, मेरा गुस्सा भी नहीं था, मेरी तड़फ थी अंदर की, क्योंकि जो सामने वाला झूठ पे झूठ बोल रहा था ना, तो उन चीज़ों से वो होके गुस्से में आके वो चीज़ें मेरे मुँह से निकली थी, तो उस चीज़ के लिए मुझे, मैं मतलब आज भी मेरे दिल में मलाल है और वो रहेगा लाइफ टाइम के लिए। चलिए खैर, अब मुझे किसी को ज़्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, बट ये मेरे मन में बात थी तो मुझे लगा कि बोलना चाहिए। अब बात करते हैं नाजिया शेख के बारे में कि भाई कभी भी किसी के बच्चे को या बच्चों को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैं इन चीज़ों के शुरू से ही खिलाफ रही हूँ, चाहे भले ही वो मेरा कभी दुश्मन ही क्यों ना हो, मैंने कभी किसी के बच्चों के लिए कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम जो मेरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जो नहीं करनी चाहिए थी, मुझे पता है उन चीज़ों का कि नहीं करनी चाहिए थी, बट मुझसे हुई थी। और लेकिन उन सारी चीज़ों को करने के लिए ना मुझे मजबूर किया गया था सामने वाले पर्सन के थ्रू, ठीक है। चलो, अब इस बारे में मैं ज़्यादा बात करने ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा से कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। और रही बात नाजिया शेख की, तो भाई किसी माँ के बच्चे को जब तुम ऐसे कमेंट करोगे ना या ऐसा बोलोगे, तो सामने वाले का गुस्सा फूटेगा ही। और ऐसा ही नाजिया आपा के साथ भी हुआ। नाजिया शेख लाइव आई थी, मैंने आज उनकी लाइव देखी, अभी बल्कि मॉर्निंग में ही देखी, पहले मैंने उनका ब्लॉग देखा, उसके बाद मुझे ये पता चला कि लाइव आई हैं वो, तो उसके बाद मैंने उनकी जाके लाइव देखी पिछले कल की, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो गुस्से में थी, बहुत बुरा भला भी बोला है, गालियाँ भी दी हैं, बट उनका जो ये रिएक्शन है ये जायज़ है। मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से कि इस छोटे से बच्चे ने, आज़म ने, इस छोटे से बच्चे ने, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो घटिया औरत कौन सी होगी। और नाजिया आपा कह रही थी ना कि औरत है या आदमी, तो एक बात मैं आपको बोल दूँ, वो आदमी नहीं हो सकता, वो औरत ही है, क्योंकि कोई भी आदमी, जहाँ तक मुझे लगता है, कभी भी जेंट्स लोग या आदमी लोग ना ऐसी बातें नहीं कर सकते, कोई दिल की ऐसे भड़ास नहीं निकाल सकता आदमी, ये औरत का ही काम है।
जिसने भी ये नेगेटिव कमेंट्स आज तक आप लोगों को किए हैं, ये औरत का ही काम है। और ये साफ साफ पता चलता है कि आप आजम को लेकर उनके मन में कितनी नफरत और कितनी वो चीज़ें हैं। अब वो कौन है ये आप लोगों को समझना है। इतना पर्सनली जो मैसेज है, किसी के बच्चों को बद्दुआएं देना, में भी हो सकता है ये आपका कोई रिलेटिव हो, या फिर हो सकता है आपका कोई दुश्मन हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि सोशल मीडिया पे भाई बहुत सारे दुश्मन होते हैं, समझ सकते हैं हम इस बात को, लेकिन इतना गंदा बोलना किसी के बच्चे के लिए, किसी के बच्चे को कह रहा है कि भाई दुआ करो उसके मरने की, कितनी बड़ी बात है। वो औरत लाइफ में ना तो कभी माँ बनने लायक है, और सच में ही सही बात है कि ऊपर वाला शायद ऐसी औरतों को कभी औलाद भी ना दे, बे औलाद रहेगी वो औरत जिसने भी ये कॉमेंट किया होगा। और अगर आदमी होगा तो बहुत अच्छी बात कही थी नाजिया शेख ने कि भाई ना मर्द रहेगा, उसको कभी औलाद नहीं होगी उसके घर में। क्या क्या ले रहा है ये बच्चा, क्या खा रहा है किसी का है, किसी के घर में जा रहा है, किसी को इसको आके रोटी पानी खिलाना पड़ रहा है बच्चे को, नहीं ना, वो अपने घर में बैठे हैं, उनके माँ बाप कमा रहे हैं, तुम लोग अपने घर में बैठे हो, तुम अपनी फैमिली देखो, तुम दूसरों की फैमिली में जाके अगर तुम्हें कमेंट भी करना है, तुम जो व्लॉग डाला है ना, व्लॉग से रिलेटेड कमेंट करो भाई। किसी के बच्चों को तुम मरने की बद्दुआएं दे रहे हो, और फिर तुम खुद को, मतलब पता नहीं भाई ये मुसलमान है या क्या ही है, जो जिस भी लेडी ने ये कमेंट किया होगा फेक आईडी है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती अपनी ओरिजिनल आईडी से के कुछ कहने की। अगर इतनी हिम्मत हो तो फिर सामने वाला बंदा फाड़ के ना रख दे, है ना। तो ये वो चंद कुछ डरपोक लोग होते हैं जो फेक आईडीज की आड़ में जो है वो अपनी भड़ास निकालते हैं। और रही बात नाजिया आपा की, तो मैं तो नाजिया आपा को यही कहूंगी कि आपने जो भी डिसीजन लिया, आप लाइव आई, आपने गालियां निकाली, आपने बुरा बोला, भला बोला, जो भी बोला, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये रिएक्शन होना जायज है। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए ही स्टैंड नहीं लेगी, तो फिर शायद वो लाइफ में किसी भी चीज के लिए स्टैंड ले ना ले, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और भाई पता नहीं कैसे लोगों के दिल से निकल जाता है बच्चों के लिए, मैं भी हो सकता है गुस्से में या, लेकिन किस बात का गुस्सा नाजिया शेख से, किस बात का गुस्सा? तुम व्यूवर हो, वो एक यूट्यूबर है, वो तुम्हारे घर में नहीं आ रही, अगर तुम्हें उसको देखना पसंद नहीं है तो मत देखो ना, वो बुलाती तो नहीं है ना तुम्हें, इनविटेशन देने तो नहीं जाती कि तुम आओ मेरे व्लॉग देखो, नहीं आती ना, तो क्यों। और इसके अलावा भी नाजिया शेख ने बहुत कुछ बताया है कि भाई किस तरीके से लोग जो हैं वो उनके पति को और उनको अलग करने की कोशिशें करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं नाजिया को छोड़ दो, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती दूसरों का घर जो है वो उजाड़ने पे लगे हुए हो, एक बसा बसाया घर तुम उजाड़ के अपनी दुनिया बसाना चाहते हो, तो याद रख लो कि ऐसी दुनिया कभी भी बसती नहीं है, ठीक है, वो उजड़ेगी ही उजड़ेगी। तुम दूसरों की दुनिया उजाड़ के खुद का घर बसाने का कभी नहीं सोच सकते कि वो घर बसेगा, तो पता नहीं ऐसी औरतें कहाँ से आती हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। और आप सबका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाजिया आपा को मैं यही कहूँगी कि भाई स्टे स्ट्रॉन्ग, और ये चीज़ें सोशल मीडिया पर होती रहेंगी तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहा करिए पहले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, धन्यवाद।